आज एक सरसों के फील्ड का विजिट किया किसान भाइयों। कम से कम इस फील्ड का विजिट करते समय साथ में पूरे फील्ड की मॉनिटरिंग की, कम से कम 200 से 250 पौधों के ऊपर सर्वे किया गया। सर्वे के अंदर ये पाया गया कि जो स्क्लेरोसिया एक कवक होता है उसके कारण तना गलन आती है, उसका प्रकोप सरसों में काफ़ी देखने को मिला है। पीछे जो 20 से 25 दिनों से मौसम हमारा खराब था उसके कारण है इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। इसलिए किसान भाई थोड़े से सचेत हो, अपने खेत की मॉनिटरिंग करें। किसान भाई जो विशेषकर जो हमारी पछेती सरसों है उसमें यदि किसान थोड़ी सी मॉनिटरिंग करके और खेत को आइडेंटिफाई करे। शुरुआत में मान लो हम किसी सरसों के फील्ड के अंदर घुसते हैं तो कम से कम 4-5 मिनट तक हमारा फसल के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता है। हम कोई बीमारी को, कोई इंसेक्ट को, कोई पेस्ट को पहचान नहीं पाते हैं। जब 5 से 10 मिनट हो जाए तो हमें पौधे हैं जो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरुआत में हमें भी दिखाई नहीं दिया था, इस तरीके के जो लक्षण हैं खेत में देखने को मिलते हैं। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। YouTube चैनल किसान पाठशाला आप देख पा रहे हो, तो सरसों के फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो है तना गलन सरसों के अंदर। किसान भाइयों, पीछे जो मौसम की विपरीत परिस्थितियां थी, नमी ज्यादा थी, सनलाइट सूर्य का प्रकाश फसलों को नहीं मिला, तो ये जो हमारी सरसों की फसल होती है किसान भाइयों, ये ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसमें जो एक बीमारी है तना गलन, जिसे स्टेम रोट कहते हैं, यदि इसका ज़्यादा अटैक हो जाता है तो उत्पादन है वो 50 से 60% प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसान भाई अपने खेत की, अब मौसम थोड़ा सा खुला है तो खेत की मॉनिटरिंग जरूर करें। हमने 40 से 50 मिनट तक खेत की मॉनिटरिंग की है तो इस तरह के हमें सिम्टम्स है वो देखने को मिल रहे हैं तना गलन के। और किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, जी शुभ नाम बताएं अपना। संतोष कुमार, संतोष जी, ये जो सरसों की वैरायटी आपने 0725 25 है है जी। विभाग की जो लगा रखी है, इसमें जो हमने मॉनिटरिंग की, कितने परसेंट आपको नजर आ रहा है? ये अब 10% आ रहे हैं। 10% के आसपास है। तो ये किसान भाइयों, आप यदि मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा भी हमारी जो सरसों की फसल है उसमें है जो इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तना गलन की दस्तक है जो खेतों में आ चुकी है। तो थोड़ी सी खेत की देखभाल जरूर करें और इसकी रोकथाम के लिए जो स्क्लेरोसिया है, ये जो बीमारी है, ये किसान भाइयों जो हमारा पिछली बार फसल चक्कर के अंदर यदि हमने सरसों की बुआई की थी वहाँ पर कोई गूणा पड़ा है तो ये सीड के द्वारा, और मुख्य रूप से मरदोड बीमारी है, मृदा के अंदर इसके स्क्लेरोसिया है, ये जो इनोकुलम है ये प्रवेश कर जाता है और बाद में उत्पादन प्रभावित होता है। इसमें किसी तरह के दाने नहीं बनेंगे, ये 20 से 25 दिनों के बाद में जो इस तरीके से लहराने लग जाएगी खेत के अंदर, जैसे ही हवा का झोंका आएगा, तो क्योंकि ये तना है जो सूख जाता है उससे उत्पादन है जो प्रभावित होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए अब आप मान लो कोई बायो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास, ये इस समय काम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें हमें केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा। केमिकल में आप प्रयोग करने के लिए एजोस्ट्रोबिन है 11% प्लस टेबुकेनाजोल 18.3%। पिछले 2 से 3 सालों के जो किसानों के अनुभव है, जिन किसानों ने 2 स्प्रे किए थे फसल के अंदर, एक पहला स्प्रे 55 दिन में और दूसरा स्प्रे है जो 70 दिन में किया, तो किसान भाई खुद अपने मुंह से बता रहे हैं भी हमारे खेत में लगभग 1-2% कहीं पौधे मिलते हैं, बाकी हमें जो तना गलन है, स्टेम रोट है, उसके लक्षण नहीं दिखाई दिए। और जिन किसान भाइयों ने थोड़ी सी देखभाल नहीं की, सावचेती नहीं बरती फसल के अंदर, उनके अंदर तना गलन है वो 50% उत्पादन है जो प्रभावित कर सकता है। जो अगेती सरसों है उसमें तो लगभग फलियां बन चुकी है, फूल भी उसमें ड्रॉप हो चुके हैं, उसमें अब स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं होगा। और लगभग ये मान सकते हैं 40 से 50% सरसों है किसी नरमे वाले बड में बीजी थी या किसी कारणवश लेट हो गई है, जहां अपने 50% फलियां बन गई है, 50% फूल भी, ये अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं इसमें 60% के आसपास फलियां बनी है, 40% अभी फ्लावर इसके अंदर है, और साथ में उत्पादन प्रभावित होने का कारण मधुमक्खियां भी हो सकती है, ये अपने देख पा रहे हैं। अब जो मौसम सही हुआ था इसमें मधुमक्खियां थोड़ी बाहर निकलनी स्टार्ट हुई है। इन कीटों का रोल होता है उत्पादन के अंदर, ये 1 से 1.5 क्विंटल हमारी सरसों का उत्पादन बढ़ाती है। तो अब की बार मधुमक्खियां ज्यादा विपरीत मौसम की परिस्थितियों के कारण
जो उनके डिब्बे है घर है उनसे बाहर नहीं निकली, तो पॉलिनेशन इससे प्रभावित हुआ है। तो 1.25 क्विंटल तक प्रभावित ये मक्खियां भी उत्पादन को करती है, यानी उत्पादन को ये बढ़ाती है। तो पछेती सरसों में अब मक्खियां जो मधुमक्खियां हैं वो जरूर फायदा करेगी, पॉलिनेशन में मदद करेगी, इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो थोड़ा सा स्प्रे का ध्यान रखें, 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, पानी कम प्रयोग न करें, ताकि प्रत्येक प्लांट तक उसका तना है, फली है, फूल है, जड़ तक भी स्प्रे पहुंचे। तो 100 से 125 लीटर पानी आप इस्तेमाल करें, और इसके अंदर एजोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकेनाजोल 18.3% इस तरह के केमिकल का जब आप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अन्य चक्रों में किसी में न जाएं, यदि आप गलत दवा इस्तेमाल कर लेते हो तो उसके परिणाम आपको बेहतरीन नहीं मिलेंगे। तो खेत की डेली मॉनिटरिंग करें। पछेती सरसों में हम थोड़ा सा उत्पादन है जो नुकसान हो रहा है उसको रोक भी सकते हैं। तो खेत के अंदर आप जाइए अपने और मॉनिटरिंग कीजिए, खेत में 30-40-50 मिनट लगाओगे तो आपको तना गलन के है जो लक्षण दिखाई देंगे। कुछ फील्डों में हमें माइनर है वो वाइट रस्ट के लक्षण मिले, वाइट रस्ट इतना ज़्यादा इस एरिया में नहीं है, कंट्रोल में है, लेकिन तना गलन के सिम्टम्स जिन किसान भाइयों ने सरसों की प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रखी है, बीज 1.25 किलो 800 ग्राम तक डाला है और लाइन से लाइन की दूरी कम रखी है, तो उनमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, सिंचाई का इस समय ध्यान रखें किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने 2 सिंचाइयां सरसों की फसल के अंदर कर दी है तो हम आपको जो थोड़ा सा बता रहे हैं, उस सरसों में आप तीसरी सिंचाई न करें। जैसे ही आप तीसरी सिंचाई करोगे आपके सपोगेशन बढ़ेगा, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा नमी होने के कारण तना गलन है वो बढ़ेगा। तो ये एक वीडियो थी किसान भाइयों सरसों के बारे में, किसान भाई इसमें सावधानी बरतें और खेत की रोज जांच करें। और तीसरा पानी है जो आप सरसों की फसल में न इस्तेमाल करें, जो भी फलियां हैं उसमें पकाव आना है वो मृदा की जो नमी है, जो जमीन की फील्ड कैपेसिटी है वहां से ही वो नमी मॉइस्चर करेगी जड़ें। तो ये ध्यान रखें, सावधानी बरतें। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल। वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं ताकि हमारे किसान भाइयों का किसी भी सूरत में उत्पादन है वो प्रभावित न हो, विशेषकर पछेती सरसों में। नमस्कार जी।